इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम क्लाइंट या कंपनी के शेष इनवॉइसेस की बिल तैयार करते हैं। यदि आप किसी कंपनी को यात्रा के लिए वाहन जैसे बस, कार, ट्रैवलर, टेम्पो उपलब्ध कराते हैं, तो सामान्यतः उस कंपनी को पैसे और बिल महीने में एक ही बार देना होता है उन सारी यात्राओं के लिए जो उस महीने की गई है। किसी कंपनी ने उस महीने में कई यात्राएं की होगी तो हर यात्रा का इनवॉइस भी बनेगा और महीने के आखिर में आप सारे इनवॉइसेस एकत्रित बिल के रूप में भेजते हैं। एकत्रित बिल में किसी कंपनी के विभिन्न इनवॉइसेस सिंगल बिल के रूप में बनते हैं, इसलिए आप कंपनी बिलिंग पेज का उपयोग करते हैं। कंपनी बिलिंग पेज बिलिंग सेक्शन में मौजूद है। इस लिंक पर क्लिक करने पर कंपनी बिलिंग पेज ओपन होता है। ऊपर की ओर आप बिल की तारीख सेलेक्ट करते हैं जिसे आप कंपनी बिल के लिए सेट करना चाहते हैं। फिर तारीख सेलेक्ट करते हैं जिसके दौरान आप बिलिंग की डिटेल चेक करना चाहते हैं। उसके बाद कंपनी नाम सेलेक्ट करते हैं जिसका बिल आप बनाना चाहते हैं। फिर सारी डिटेल सेलेक्ट करने के बाद शो बटन पर क्लिक करेंगे जिससे आपको सारे इनवॉइसेस दिखाई देंगे जिनका पेमेंट नहीं किया गया है। अब इनवॉइसेस सेलेक्ट करेंगे जिन्हें एकत्रित बिल के रूप में बनाना चाहते हैं, जो कंपनी को पेमेंट प्रक्रिया के लिए भेजा जा सकता है। फिर जेनरेट बिल बटन पे क्लिक करने पर बिल बन जाता है जिसे आप क्लाइंट को भेज सकते हैं।